किसी ऐसे चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है, बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है। और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उसके, और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट खाप गया था, मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व। अगर आप भी आइसक्रीम के शौकीन हैं और अक्सर ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाते हैं तो थोड़ा सावधान रहें। मुंबई में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मुंबई के एक डॉक्टर ने खाने के लिए ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की, खाते समय डॉक्टर के मुंह में कटी हुई उंगली का टुकड़ा आ गया। आइसक्रीम खाते समय इंसान की उंगली से आने पर डॉक्टर स्तब्ध रह गया। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवक डॉक्टर की शिकायत पर आइसक्रीम बनाने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई में चौंकाने देने वाला मामला मलाड एरिया में सामने आया है। पेशे से डॉक्टर ने गर्मी में खाने के लिए ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी। डॉक्टर ने जैसे ही आइसक्रीम को खाना शुरू किया तो उसमें इंसान की उंगली का हिस्सा निकला। डॉक्टर ने 1.5 सेंटीमीटर लंबे उंगली के हिस्से को बर्फ में सुरक्षित रखने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उंगली के हिस्से को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। मुंबई पुलिस के DCP जोन 11 आनंद भोईटे ने कहा कि हमने जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ गुरुवार को IPC की धारा 272, 273 और 336 के तहत FIR दर्ज की है। इस मामले की जांच की जा रही है। मुंबई में चौंका देने वाला मामला मलाड एरिया से सामने आया है। पेशे से चिकित्सक ने गर्मी में खाने के लिए ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी। डॉक्टर ने जैसे ही आइसक्रीम को खाना शुरू किया तो इंसान की उंगली का हिस्सा निकला। इस मामले की फिलहाल में जांच की जा रही है, लेकिन आप भी सुनिए उस डॉक्टर की आप बीती उसी की जुबानी। और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। तो बेसिकली कल मैंने एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और उसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड। आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है। तो मैंने लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था। तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसे चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है। और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उसके, और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट कांप गया था, मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया। तो मैं मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, कि नेग्लिजेंस हो सकता है, कि किसी का मर्डर का हो सकता है। कि आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।